नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए, जैसे कि आपको पता है अंतिम 34 दिन रह गए हैं, 34 डेज रह गए हैं पेपर के लिए, तो पूरे पेपर का हल लेकर आए। इसमें साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों की सीबीटी 2 एग्जाम में आ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीटी 2 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है वो काफी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, आसान क्वेश्चन भी होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, हर तरीके के, जो एक सही लेवल रहता है पेपर का। तो पूरा आज हम इस क्लास में साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। पवन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पवन की गति यानी उसका वेग को मापने वाला जो उपकरण है, ये आपका एनेमोमीटर होता है। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, इस तरीके से एक आपका एनेमोमीटर होता है, ठीक है ना। इसमें कटोरियां लगी होती है, जब हवा चलती है तो इन कटोरियां जो है चारों तरफ घूमने लगती है, तो एनेमोमीटर आप लोगों ने देखा होगा। पवन की गति को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये है आपका एनेमोमीटर। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। सापेक्ष गुरुत्व निम्नांक में से किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व जो होता है किसका अनुपात होता है, चलिए बताइए। सापेक्ष गुरुत्व जो है पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की विमा को बताइए। देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पृष्ठ तनाव पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ रहा है, पृष्ठ तनाव की विमा को बताइए क्या हो जाएगी। देखिए, पृष्ठ तनाव यानी कि दोस्तों सरफेस टेंशन, फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। सभी को पता है इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। अब बल यानी कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम इंटू ए। तो इसकी विमा होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और लंबाई, लंबाई की विमा एल होगी। अब एल से एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आपका एम बचा, एल आपके खत्म हो गए, जीरो बचे, टी आपके माइनस टू है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो यहां से आपका पृष्ठ तनाव की बीमा क्या आएगी? तो पृष्ठ तनाव की बीमा आ जाएगी एम एल जीरो टी माइनस टू। परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। स्प्रिंग का काठिन्य है इसको बताइए। स्प्रिंग की धार, ठीक है ना, भार वाहिका धारिता, आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, या फिर आपका हो जाएगा प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग का काठिन्य की, तो ये आपका स्प्रिंग की भार वाहिका की धारिता होती है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होगा उसकी भार वाहिका क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्प्रिंग की भार वाहिका धारिता। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। एक मोटर जिसका द्रव्यमान जो है 500 किलोग्राम है, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, अब 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध बल का मान याद करना है। तो प्रतिरोध बल का मान कैसे निकालोगे? सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया है, द्रव्यमान को छोड़िए, सबसे पहले आप देखिए वेग, प्रारंभिक वेग देखिए और अंतिम वेग देखिए। स्टार्ट था, प्रारंभिक वेग उसकी चाल थी 15 मीटर प्रति सेकंड, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 5 सेकंड,
ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद अंतिम वेग हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकंड, ये उसका अंतिम वेग हो गया। अब गति वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है दोस्तों, गति का फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर आपका क्या होता है, v बराबर आपका होता है u प्लस at। तो आपको अंतिम वेग पता है 5 है, प्रारंभिक वेग आपको कितना दे रखा है ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग आपका 15 है, a का मान आपको निकाल लेना है, समय दे रखा है 5 सेकंड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब 15 में से 5 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, यहां पर मंदन हो रहा है क्योंकि वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसमें आपका त्वरण की जगह क्या होगा, त्वरण की जगह इसमें आपका मंदन होगा। तो अब आप लोग का ए कितना आ जाएगा, 15 में 5 या 10, और 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। माइनस की वैल्यू को त्वरण को बोलेंगे, ये आपका त्वरण में क्या होगा, मंदन होगा। इसके बाद अब ब्रेक द्वारा उत्पन्न बल निकालना है, कितना बल लग रहा है, तो ब्रेक द्वारा प्रतिरोध बल कितना लग रहा है। अब आपको त्वरण पता है, त्वरण कितना है 2 है, और वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है मोटर का 500 किलोग्राम। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर आपका एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है, M कितना है 500 kg, इंटू त्वरण कितना है 2 है, तो 500 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। तो 100 वाले भैया सब गलत हैं, रोबोट गेमर ने बिल्कुल सही बताया है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ भाई, वीडियो को सभी लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं भाई, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, आप लोग को तो क्वेश्चन देख के मजा आ रहा होगा, अगर मजा आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा अपनी क्लास को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1000 न्यूटन, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा 1000 न्यूटन। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, सॉरी, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है ऊर्जा संरक्षण की। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो नाभिकीय विखंडन में न्यूटन ट्रिगर के रूप में कार्य करते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, अब इसको देखिए, इस सवाल को आप लोग कैसे लगाओगे, ए बी के पार प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, दो आपके यहां पर दे रखे हैं वाहक, तो एक आपका ए है पॉइंट, एक आपका बी पॉइंट है, और ए बी के सापेक्ष समांतर क्रम में आपके तीनों 10 10 10 लगे हैं, ये तीनों समांतर क्रम में। देखिए ये एक तार है, ये दोनों बिंदु एक तार से जुड़े हैं, ये दूसरा तार है, ये दोनों बिंदु दूसरे तार से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका समांतर प्रतिरोध चल रहा है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, तो 10 और 10 दे रखा है, तो 1/R कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, 2/5, तो R बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग मान लीजिए कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, अब मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक प्रतिरोध लगा है जिसकी वैल्यू 5 है। अब इधर समांतर में 10 लगाए, इधर 5 लगाए, फिर से समांतर क्रम में लगाएंगे, तो 1/R' बराबर 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम आपका 10 आएगा, 10 1 10, 5 2 10, तो 3/10 आ जाएगा, तो R' का मान कितना आ जाएगा, R' बराबर आ जाएगा 10/3 है, और 10/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। भाई क्लास को लाइक करते रहिए,
सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए जितने भी लोग देख रहे हैं। तो यहां पर 10/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.33333 चलता रहेगा और ओम आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 3.33 ओम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जल्दी से क्लास को भाई 70 प्लस पर लेकर चलिए। सबसे पहले आप लोग अपनी क्लास को शेयर करिए और क्लास को जल्दी से 70 प्लस पर लेकर चलिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। दोस्तों किस रंग की तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है? अब तरंग लंबाई को याद करने का तरीका आपको पढ़ाया गया था विभिकेव, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंद्रधनुष में इस तरीके से रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज्यादा तरंग की लंबाई रेड कलर में होती है, सबसे कम तरंग की लंबाई वायलेट रंग में होती है। तो सही जवाब वायलेट मतलब बैगनी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर लाल हो जाएगा। किस रंग की तरंग लंबाई, तरंग लंबाई को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है? आप लोग को पता है तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि जो लाल कलर है ना बहुत दूर से दिखता है, हालांकि सुबह सुबह आप जब आप लोग सूर्य देखते होंगे तो वो भी आपको लाल रंग का ही दिखाई देता है। क्यों लाल रंग? देखिए सूर्य आपका सफेद है, अब सफेद रंग में आप लोगों की ये 7 कलर होते हैं। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो बाकी सारे रंग तो उड़ जाते हैं, तो बचा केवल आपका एक रंग जो कि है आपका लाल। अब इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए हम सूर्य का केवल लाल रंग का हिस्सा ही देख पाते हैं, बाकी रंग तो आपके प्रकीर्णित हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। इसलिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है खतरों वगैरह में, आप लोग देखते होंगे जो चीज डेंजर होती है, ताकि इंसानों को दूर से मालूम चल जाए कि यहां पर खतरा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पदार्थ एक स्थायी चुंबक है? ब्रास, तांबा, मुलायम लोहा या फिर स्टील। आपको बताना है परमानेंट मैग्नेट कौन सी है, स्थायी चुंबक। दोस्तों स्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है, स्टील से कठिनता से चुंबक बनता है, कठिनता ही इसका चुंबक समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर जो होता है आपका ना, ये गैल्वेनोमीटर आदि के स्थायी चुंबक इस्पात के ही बने होते हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्टील, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। इंटरनेट कार्य करता है किस पर, किस स्विचिंग पर? इंटरनेट दोस्तों कैसे काम करता है क्या आपको पता है? इंटरनेट केवल आपका पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट आप लोगों का जो है पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। सही जवाब हो जाएगा पैकेट स्विचिंग पर, केवल केवल पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। अगला सवाल देखिए, अब ये आप लोगों ने पढ़े होंगे लॉजिक गेट पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जोर गेट, ये सारे गेट आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो प्रश्न में दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसे ढंग से व्यक्त करता है, ये आप लोग को बताना है। तो आइए आप लोग बताइए, देखिए ये आपका और गेट है प्लस नॉट गेट है, और नॉट गेट को मिलाकर क्या बनता है, ओ आर का ओ आर, एनओ का एनओ, ये मिलाकर बन गया नॉर गेट। और नॉर गेट पता है आपको इसको क्या बोलते हैं, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। पॉइंट टू द नोटेड, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो ये आप लोगों का किसका चित्र दे रखा है, ये चित्र आपका नॉर गेट का है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी। भाई सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, जल्दी से क्लास को 80 प्लस पर ले जाना है आप लोग को। अपनी क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जल्दी से अपनी क्लास को, सभी लोगों से मेरा निवेदन है जल्दी से क्लास को 80 प्लस के पार पहुंचा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण संबंधी सूचकांक है? अच्छा लगा, ऐसे ही अगर आपका प्यार सपोर्ट रहेगा आयुष, तो
तो आपके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी होगी सारी प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। निम्न में से कौन पर्यावरण संबंधी सूचकांक है? तो पर्यावरण संबंधी सूचकांक आपका AQI है। ये क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका मतलब होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि AQI की बात कर रहे हैं, इसका क्या क्या लेवल रहता है। अगर मान लो AQI का मान 0 से 50, इसका मतलब हमारा पर्यावरण काफी अच्छा है, बहुत अच्छा पर्यावरण है। अगर AQI फिलहाल तो होता नहीं है 0 से 50 के बीच में, निकल जाता है 0 से 50 के बीच में जो लेवल रहता है ना हवा का, बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर यही AQI का मान जो है मान लो 201 से 300 तक चला गया, AQI का मान 201 से 300 पे चला गया, तो इसको काफी खराब माना जाता है। और अगर AQI का मान, ध्यान दीजिएगा, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का मान 401 से 500 के बीच में आ गया, तो इसका मतलब खतरनाक स्थिति है, जान जाने तक का खतरा है, ये खतरनाक स्थिति बन जाती है। बिल्कुल, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? AQI हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अपनी BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। मंगल ग्रह वाले ध्यान से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चीन का रोवर था? तो क्या आपने पढ़ा है मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चीन का रोवर कौन सा है? इसका नाम था झुरोंग। नोट कर लीजिएगा, जुलाई 2021 में चीन के पहले मंगल मिशन को में सफलतापूर्वक उसका रोवर झुरोंग मंगल की सतह पर उतरा है। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश है। झुरोंग मंगल ग्रह की महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा झुरोंग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झुरोंग हो जाएगा। भाई क्लास को लाइक करते रहो, इतने सारे लोग आप क्लास को देख रहे हो, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है ना, क्लास को शेयर करते रहिए। लो भाई आम खा लो पहले, तुम्हें जो है आम से पता नहीं कितना प्यार है। आम नहीं होंगे पप्पू, क्या मैं कहूं पप्पू, तुम आम खा लो, सबसे पहले आम खाओ फिर पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, झुरोंग के बाद अब बढ़ते हैं आगे, झूम को जरा सा झूम कर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो आपका 2 मैग्नीशियम + O2, ये दे रखा है आपका 2 MgO। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो जिनका भी आंसर D आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाई गई संरचना निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक को ठीक ढंग से व्यक्त करती है? देखिए यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार C है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 HB आप लोगों का 6 बार दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C6H6। तो ये आपका बेंजीन हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। C6H6 आपका बेंजीन है। इसे एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहते हैं। इसका उपयोग शुष्क धुलाई में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। अब देखिए शीशा पेंसिलों में शीशा का प्रतिशत कितना होता है?
सीसा पेंसिलों में सीसा आपका होता है 0%। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 0% हो जाएगा। जिनका भी आंसर 0% आ रहा बिल्कुल राइट है। भाई जल्दी से क्लास को 85 प्लस पर ले जाओ। मेरा आप लोगों से निवेदन है जल्दी से क्लास को 85 प्लस पर लेकर चलो। सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो यह है आपका सोडियम। सोडियम को पता है चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम का सिंबल आपका Na होता है, जबकि कांच सिलिकेट SiO2 होल Na2O, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 आदि का मिश्रण होता है। इस प्रकार स्टील, लोहा, कार्बन आदि का संयोग होता है। तो राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम आपका एक शुद्ध तत्व है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम। मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और मैं पूरी गारंटी बता रहा हूं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 25 क्वेश्चन पढ़ाने में बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। 25 मिनट के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रकाश श्वसन का अवसर क्या है? सबस्ट्रेट बताइए। प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट थे ना ग्लाइकोलेट है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलेट। जिनका भी आंसर ग्लाइकोलेट आ रहा है बिल्कुल राइट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलेट हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन बी, इन सबकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? आयोडीन की कमी से होता है गलगंड घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड घेंगा रोग होता है। तो सबसे पहला वाला तीसरा है, ये तो गलत, ये गलत, ये गलत। फिर आयरन की कमी से, आयरन की कमी से रक्त अल्पता होता है, पहला हो जाएगा। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, जिसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम। और विटामिन बी की कमी से आपका प्रणासी रक्त अल्पता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 से। विटामिन B12 से आपका प्रणासी रक्त अल्पता होता है। तो राइट आंसर D हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा D। अब क्लास को जल्दी से भाई 70 करवा दिया आप लोगों ने, अब 85 तक ले जाओ। सभी लोग क्लास को 85 प्लस तक ले जाओ जल्दी से। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये काम होता है यकृत का। सही जवाब होगा यकृत। और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसिस, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कहलाता है क्या? कंडरा, स्नायु, न्यूरॉन, वसामय। तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा यानी कि टेंडन कहलाता है। तो जिनका भी आंसर कंडरा, टेंडन आ रहा बिल्कुल राइट है। और आज का फाइनल क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है, इसको बताइए। मरीन, ताजा पानी, स्थलीय, कृत्रिम। देखिए ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए हो, और यह स्थलीय इको प्रणाली में शामिल है। यह आपका स्थलीय इको प्रणाली में शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब आप लोगों से आपकी अगली क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए
आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।